किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं मैकेनिक्स ट्रांसमिशन इंडिया LLP कंपनी में और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैकेनिक्स कंपनी की बेल्टें। इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ शायद सर हैं, उनसे बात करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, मैंने मार्केट में बेल्ट बहुत देखी है जी सर। जो आज पहले तो थोड़ा सा मैंने अपने बारे जानकारी दी और जो आज एग्जीबिशन हुआ था जी उसके बारे में जी। सर, आज हमारी कंपनी का दिल्ली के रेडिसन होटल में एक फेयर लगा था जिसमें ऑल इंडिया डीलर्स हमारे नेटवर्क जो हमारे साथ काम करते हैं और इंडस्ट्री में काम करते हैं वो सब लोग हमारे यहाँ पे आए थे। उनको नई बेल्ट की लॉन्चिंग थी और उसको एक प्रोडक्ट की जानकारी दी गई जिसमें टेक्निकल डिटेल्स भी शामिल हैं। हमने एक नई बेल्ट डेवलप करी है जो खास तौर पे किसान भाइयों के लिए बनी है, यानी कंबाइन के लिए और थ्रेशर मशीन के लिए और रिपर के लिए जहाँ बेल्टों पर लोड होता है। सही सर। जी सर। सर, कुछ मेरे किसान भाई हैं जो मार्केट में बेल्ट ही लेने आ जाते हैं, वो टूट जाती हैं जी, उसके लिए कुछ कंपनी ने कुछ किया है सर? नहीं सर, बेल्ट जब टूटेगी जब बेल्ट कमज़ोर होगी, यानी बेल्ट का सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है अगर किसी बेल्ट को काट दे तो उसका बेल्ट का स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देता है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे जो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये इसके धागे दिख रहे हैं, धागे यानी कॉर्ड लाइन। कॉर्ड लाइन हमारे इस बॉडी के स्केलेटन की तरह होता है, हड्डी का ढांचा। अगर जितना हमारी हड्डी मजबूत होगी उतना हमारा शरीर मजबूत होगा। यानी अगर पहली जो सबसे मुख्य वजह होती है किसी बेल्ट का टूटने की उसके धागे कमज़ोर हैं, लेकिन इसमें टॉप क्वालिटी के धागे इंपोर्टेड जो जापान से इंपोर्टेड धागा होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं, पॉलिएस्टर कॉर्ड होता है। या फिर बेल्ट को जब हम किसी चीज़ पर चढ़ा रहे होते हैं हम उसको फिक्सिंग के टाइम पे पुली को खिसका के नहीं चढ़ाते, ज़बरदस्ती किसी लोहे की सरिये की मदद से बेल्ट को चढ़ाने की कोशिश करते हैं तो जिससे ज़्यादा खिंचाव पड़ने से बेल्ट टूट जाती है। तो एक वजह मुख्य कारण वो भी रहता है बेल्ट टूटने का, लेकिन वो एक गलत इस्तेमाल की वजह से टूटती है। दूसरी वजह जो पहली वाली वजह है वो क्वालिटी की वजह से टूटती है। तो इसमें हमने दोनों चीज़ों के बारे में हमने बता दिया कि बेल्ट टूटने की दो मेन वजह क्या है। और सर, बेल्टों के मॉडल की बात करें तो किसान भाई को कौन कौन से बेल्टों के मॉडल हैं, जैसे ABCDE, उसका क्या फ़र्क रहता है उसको थोड़ा सा? ये एक्चुअली जो बेल्ट का मॉडल होता है ABCDE, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे यानी बेल्ट उतनी मोटी होती जाएगी। जो ए सेक्शन की बेल्ट है जैसे ए बेल्ट कहते हैं वो पतली होती है, उसकी टॉप भी पतली, उसकी मतलब ऊंचाई भी कम होती है। बी सेक्शन उससे थोड़ी मोटी, सी सेक्शन उससे मोटी। जितनी मोटी बेल्ट होगी उतनी ताकत वो बर्दाश्त कर सकती है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये मेरे सामने ए सी सेक्शन की बेल्ट है, ये इसकी मोटाई कम है, इसकी चौड़ाई भी कम है। उसके मुकाबले जब हम चले जाते हैं हार्वेस्टर बेल्ट में, ये काफ़ी मोटी बेल्ट होती है जहाँ लोड ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा लोड होगा उतना सेक्शन आगे बढ़ता चला जाता है। इसको HM सेक्शन भी कहते हैं, HM सेक्शन। सर, जब किसान मार्केट में कोई बेल्ट लेने जाता है तो उसको क्या कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, जब भी किसान बेल्ट मार्केट में लेने जाता है तो सबसे पहले वो देखे कि बेल्ट के अंदर उसका कोई नाम ज़रूर हो कि उसकी वो कौन सी कंपनी की बेल्ट है और वो कंपनी अच्छी मतलब ISI है या नहीं। जो बेल्ट कंपनी ISI होगी उस पर ISI की मोहर होगी, उसके साथ एक लाइसेंस नंबर भी मेंशन होगा। उसके अलावा जो देखने वाली चीज़ है कि बेल्ट के अंदर कोई कट फट नहीं लगा होना चाहिए कि यहाँ से किसी ने किसी से ब्लेड से कटी हुई है या वो कोई उस पर गाठ फोड़े जैसा दिखाई दे रहा है तो वो बेल्ट कभी भी नहीं खरीदे। उसके अलावा बेल्ट पे एक नंबर मेंशन होता है जो ISI की वजह से मेंशन होता है, ये एक कंट्रोल नंबर है जो कि एक डेट कोड है। ये कोशिश ये होनी चाहिए कि बेल्ट नहीं से नहीं ले जाए। जैसे इस पर मेंशन है G2329, यानी ये जी महीना ABCDE को जनवरी फरवरी में कन्वर्ट करके और 23 मतलब 2023 की 29 तारीख की बनी हुई बेल्ट है। सर, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, जो किसान भाई कई इंडिया से देख रहे हैं, नीचे से कॉस्टेटों से देख रहे हैं, जब बाहर से भी देख रहे हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी बेल्ट लेना चाहते हैं, वो किस तरह और कैसे ले सकते हैं? सर, अगर किसान को एक दो या तीन पीस चाहिए अपने इस्तेमाल के लिए चाहिए तो हमारी बेल्ट अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है जिसका लिंक आपको ईजिली दिखाई देगा। जब आप हमारी वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी है mechanicsindia.com, आप उस पर जाइए, वहाँ से कॉन्टैक्ट में देखिए, अमेज़ॉन का भी लिंक है, हमारे अपने भी लिंक है, या फिर हमारा नंबर हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल करके टेक्निकल जानकारी भी ले सकते हैं बेल्ट की। सपोज़ आपने कोई मशीन है आपके पास, आपको बेल्ट जल्दी जल्दी उस पर टूट रही है, नहीं चल रही, हो सकता है कि आपने उस पर लोड कम लोड की बेल्ट यानी बी सेक्शन की लगा रखी हो, वहाँ सी सेक्शन की लगनी हो, या तीन बेल्ट लगनी हो, आप दो ही बेल्ट लगा रहे हो, जल्दी जल्दी इसीलिए टूट रही है कि लोड बर्दाश्त नहीं कर रही, तो इस वजह आप उसकी जानकारी लेने के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जानकारी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, हमारी सर्विस टीम उसके लिए काम करती है। शायद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें और हमारे किसान भाई को इतनी बड़ी जानकारी दी। जी। किसान भाइयों, अगर अभी मैकेनिक्स कंपनी की बेल्ट लेना चाहते हो तो मैकेनिक्स कंपनी के नंबर हैं जो आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं और वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, आप इन नंबर पे बात करके बेल्ट को ले सकते हैं। और एक आपको गुड न्यूज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बेल्ट आपको पूरी इंडिया में इनका डीलर नेटवर्क है, साथ में ये बेल्ट इंडिया के साथ साथ बाहरली कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा ब्रांड है दोस्तों। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, अभी बात करें और बेल्ट को बुक करवाएं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।